राजनीति की जलवायु में हर 5 साल बाद मौसम करवट लेता है, और यही वो मौसम है जब राजनीतिक दलों में उठापटक का दौर शुरू हो जाता है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राजस्थान के शिव से बीजेपी विधायक रहे मानवेंद्र सिंह और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक आशीष देशमुख कांग्रेस में शामिल हो गए। मानवेंद्र ने कहा कि बीजेपी की ओर से उन्हें और उनके समर्थकों को लगातार अनदेखा और प्रताड़ित किया जा रहा था। जो सार्वजनिक बात है कि जो राजस्थान में जो हालात हैं और विशेषकर सरकार की तरफ से जो हमारे जो समर्थक हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है चुन चुन के, जो स्वाभिमान सेना जिसको बोलते हैं, वो जितने पीड़ित रहे उतने समय से, और उन्होंने एक निर्णय लिया और निर्णय मेरा नहीं था, निर्णय सार्वजनिक था, एक बड़ी सभा हुई, उसमें सामूहिक निर्णय लिया, जनता ने निर्णय लिया कि हमें क्या करना चाहिए इस सरकार को सबक सिखाने के लिए और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। कांग्रेस के नेता मानवेंद्र के इस कदम से खुश हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। मानवेंद्र के इस कदम को धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट करार दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर शॉट इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेता का बेटा उनकी पार्टी से जुड़ रहा है। दूसरे बीजेपी से नाराज चल रहे राजपूत नेताओं की नाराजगी अब पार्टी परिवर्तन के तौर पर सामने आना शुरू हो गई है। इस हेलीकॉप्टर को पायलट ने खूब भुनाया भी और घुमाया भी। जो बर्ताव, जो व्यवहार, जो कार्यप्रणाली रही है भाजपा की, आप कल्पना कर सकते हैं, वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर अब तक उस पार्टी को सींचा, उस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उन सब लोगों की दशा कर दी है कि वो सब विकल्प तलाश कर एक बेहतर कल की उम्मीद करते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आत्मचिंतन का विषय है, विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए, कि जिन लोगों का आशीर्वाद देकर उस मुकाम तक पहुंची थी और आज किन व्यवस्थाओं के कारण, अपने व्यवहार के कारण और अपने कुशासन से लोगों को जो नकारात्मक प्रभाव उन्होंने डाला है उसके कारण अनेकों लोग आज भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी मानवेंद्र के इस कदम से अंदर ही अंदर बेचैन बहुत होगी, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर में जसोल परिवार का पूरा प्रभाव है। सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि इलाके के सिंधी और मुस्लिम मतदाता भी जसोल परिवार के प्रभाव में हैं। लेकिन कहने को केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये भी कह रहे हैं कि मानवेंद्र के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानवेंद्र जी का जो निर्णय है कांग्रेस को ज्वाइन करने का, वो उनका एक व्यक्तिगत निर्णय है। उनके पिताजी श्री जसवंत सिंह जी ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया इसी कांग्रेस पार्टी के साथ संघर्ष करते हुए। उन्हें जो मान सम्मान दिया गया वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री के रूप में, वो यही हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यही नहीं, उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करती रही। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 साल तक एक बार भी राजस्थान के किसी राजपूत को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स में अपने बहादुर सिपाहियों के बलिदान का सबूत मांगा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने, जब देश चीन के विरुद्ध आंख में आंख डाल के खड़ा था, तो पीछे आंख मिचोली खेल रहे थे। राजस्थान के स्वाभिमानी राजपूत आज से नहीं, आजादी से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं याद दिलाता हूं राजस्थान के राजपूतों को कि महाराजा हनुत सिंह, अलवर युवराज प्रताप सिंह, इनकी जो संदिग्ध मृत्यु हुई उसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार माना जाता है। यही नहीं, महारानी गायत्री देवी जैसी व्यक्ति को तिहाड़ जेल में बंद करके यातनाएं देना का काम भी इसी कांग्रेस पार्टी ने करा था। ये क्या मान सम्मान करेंगे राजपूतों का? राजस्थान का हर एक राजपूत, हर एक स्वाभिमानी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो देशभक्ति वाली सरकार है उसके साथ आज से नहीं, हमेशा